हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग आ गए हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पार्ट टू के वीडियो में। पार्ट वन का वीडियो पहले से अपलोड है, तो हम लोग देखेंगे आज कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को बिना कुछ जाने और एकदम बिगनर्स के लिए बिना कुछ आइडेंटिफाई किए हुए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कैसे पहचाने वन डे में, वन आवर में, 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, सब टाइम फ्रेम भी ये काम करेगा। तो वेलकम बैक ऑन चार्ट IQ। आज हम लोग देखेंगे पार्ट टू सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, और वीडियो के लास्ट तक बने रहें, आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें और समझें कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को बिना किसी चीज़ को चेक किए हुए कैसे करें। तो इसके लिए हम लोग सब सबसे पहले सिर्फ स्टडीज़ में जाएंगे और बॉलिंजर बैंड को सेलेक्ट करेंगे बस, और किसी चीज़ को ऐड नहीं करना है, ना ऐड करना है, ना देखना है, बस इसी को देखेंगे हम लोग हर टाइम फ्रेम पे, वन डे, वन आवर, 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट। तो हम लोग देखते हैं अब, और ये जीरोधा में है, जीरोधा का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, और आप स्टॉक का भी, तो जिसमें आपका मन हो उसमें अकाउंट खुलवा सकते हैं या नहीं भी खुलवा सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं वीडियो को। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग जैसे कि एक रैंडम पहले सेलेक्ट कर लेते हैं, जिससे आप लोगों को भी लगे कि मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। ये जैसे कि यहाँ पर आ चुका है। तो बॉलिंजर बैंड में तीन तरह का आप लोग बैंड देख रहे हैं, जैसे कि एक अपर साइड का बैंड, एक बीच वाला बैंड और एक डाउन साइड का बैंड। तो जैसा कि नीचे वाला जो ये लाइन है वो सपोर्ट जैसा यूज होता है, और ऊपर वाला लाइन रेजिस्टेंस के जैसा यूज होता है, और ये जो बीच वाला लाइन है ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों जैसा काम करता है। तो हम लोग देखेंगे कब ये दोनों जैसा काम करता है और कब हम लोग यहाँ से यहाँ तक देखेंगे। तो इसके लिए अब हम लोग आप लोगों को यहीं पे दिखाता हूँ। जैसे कि ये नीचे वाला लाइन हम लोगों ने सपोर्ट लिया, ऊपर वाला लाइन रेजिस्टेंस के जैसा हम लोग यूज करेंगे। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये रहा रेजिस्टेंस, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, और ये रहा सपोर्ट, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। हैंड लाइटिंग पे नहीं जाइए, माउस से लिख रहे हैं। तो हम लोग कब यहाँ से सेल करेंगे, अगर इक्विटी में करना है तब, या बैंक निफ्टी में किसी में भी पोजीशन बनाने के लिए, और कब हम लोग सपोर्ट जैसा यूज करेंगे। तो हम लोग देखते हैं, जैसा कि ये सपोर्ट यहाँ पे वो रेजिस्टेंस और यहाँ पे सपोर्ट। तो हम लोग देखेंगे जब मार्केट अगर अपने सपोर्ट के सपोर्ट पे आ जाए या नीचे वाले बैंड के पास आ जाए, तो यहाँ पे मार्केट को एक ग्रीन कैंडल बनाना चाहिए और उसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल से क्लोजिंग देना चाहिए। लेकिन मार्केट इसके ऊपर ग्रीन कैंडल बना के क्लोजिंग नहीं दिया, तो हम लोग इसको छोड़ देते हैं और ऊपर चलते हैं रेजिस्टेंस के। तो हम लोग ऊपर रेजिस्टेंस में देखेंगे थोड़ा जूम करके कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है और यहाँ पे एक निगेटिव न्यूट्रल कैंडल बना है, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं। तो न्यूट्रल कैंडल बना है, तो इसके नीचे हम लोग क्लोजिंग का वेट करेंगे। जैसे यहाँ पर मार्क किए, तो इसके नीचे ये वाला कैंडल के नीचे क्लोजिंग किया, तो हम लोग यहाँ पर सेल पोजिशन बनाएँ, और उसके बाद हम लोग अपना स्टॉप लॉस इस कैंडल प्रीवियस कैंडल के ऊपर रखेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा भी ऊपर नहीं। जैसे कि हम आप लोगों को दिखाते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पे पोजीशन बनाए हैं, तो हम लोगों का SL यहाँ पे होगा, उसके बाद हम लोग टारगेट यहाँ तक लेंगे, इस लाइन तक। लेकिन यहाँ पर हम लोगों को ग्रीन कैंडल से क्लोजिंग नहीं मिला, तो हम लोग यहाँ पर बाय का पोजीशन नहीं बनाएंगे। आप लोग हमेशा याद रखें कि जब तक मार्केट का जो रूल हम लोग, क्योंकि प्रॉफिट से ज़्यादा हम लोगों को अपना कैपिटल बचाना है, और मार्केट में पोजीशन ना बनाना भी एक तरह का पोजीशन ही होता, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे पोजीशन नहीं बनाएंगे। उसके बाद हम लोग आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वन डे पे ही, पहले थोड़ा सा पीछे जाके, जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर एक सपोर्ट है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, इसमें रिस्क रिवॉर्ड का भी है, तो हम लोग इसको छोड़ ही देते हैं, पहले देख लेते हैं, क्योंकि SL बहुत बड़ा हो जाएगा। ये 62 पॉइंट का, और ये तो 1:2 पीछे भी ज़्यादा नहीं, 1:1.5 भी नहीं हो रहा, तो इसलिए इसको छोड़ देते हैं। हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं, हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे पहले एक सपोर्ट को ड्रॉ किए, एक रेजिस्टेंस को ड्रॉ किए, उसके बाद हम लोग थोड़ा इसको जूम आउट कर लेते हैं कि अच्छे से दिखे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जैसा मैंने कहा था कि एक ग्रीन कैंडल बनाने के बाद उसके ऊपर एक क्लोजिंग डे नहीं दिया। हम लोग यहाँ पे देखेंगे ये सपोर्ट के ऊपर ही है, इसके साथ कुछ पैटर्न और कैंडल स्टिक भी काम करता है, जिससे और भी एक और ऐसी सही हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे देखें कि यहाँ पे एक कैंडल बना है हैमर टाइप का, उसके ऊपर ये क्लोजिंग दिया,
तो इसके ऊपर यहाँ पे जैसे ये क्लोजिंग दिया, हम लोग यहाँ पे बाय करेंगे और टारगेट यहाँ तक रखेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मार्केट यहाँ से गया लेकिन फिर थोड़ा नीचे आया, उसके बाद ऊपर गया लेकिन हम लोगों का टारगेट हिट किया। तो हम लोग उसके बाद देखते हैं, इसी टाइप से हम लोग इसका रेजिस्टेंस भी देख लेते हैं यहीं पर। तो हम लोग अगर रेजिस्टेंस ये था, हम लोग जैसे ही यहाँ पर एक निगेटिव कैंडल बनाया, उसके बाद इसके नीचे जैसे ही आया, उसके बाद हम लोग यहाँ से शॉर्ट किए और हम लोगों का टारगेट यहाँ तक था एकदम। तो हम लोग यहाँ तक बुक किए, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं एसएल इसके ऊपर थोड़ा सा, और हम लोगों का बुक यहाँ पे हुआ है। और हम लोग शायद इस टायर स्टॉप लॉस से भी काम कर सकते हैं, टायर स्टॉप लॉस हम लोग इंटरडे में भी काम करते हैं, जिसका मैं लाइव वीडियो में एक लाइव वीडियो बनाकर डालूँगा इंटरडे करते वक्त कि स्टॉप लॉस को कैसे तैयार करें। तो इसके लिए हम लोग अब चलते हैं, देखते हैं अब हम लोग उसे। तो हम लोग 1 आवर में जाके चेक करें। इससे पहले मैं बता दूं कि वीडियो को कमेंट करें और इसका स्क्रीनशॉट लेके इंस्टाग्राम पे मेरे शेयर करें। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो उसी से इंस्टाग्राम पे जाएं और कमेंट करें, जिससे आप लोगों को बोट का कूपन मिले। जी हाँ, बोट ईयरफोन हेडफोन जिस पे भी लेना है 10% का आपको डिस्काउंट मिलेगा, उसका कूपन मिलेगा आप लोगों को। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें वीडियो को, उसके बाद आप लोगों को ये कूपन ज़रूर मिलेगा। ये पहले 3 लोगों के लिए है, तो सो प्लीज़ आप लोग ट्राई करें और बुक करें इसको जल्दी सा, कमेंट करके लाइक करें सब्सक्राइब करें। तो हम चलते हैं 1 आवर में भी सेम इसी तरह हम लोग देखेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो हम लोग यहाँ गए 1 आवर में, इसको रेंडम सेलेक्ट, जैसे कि यहाँ पर आया ये देखिए। तो हम लोग 1 आवर में आ गए हैं। तो ये रहा हम लोगों का सपोर्ट, हम लोगों का रेजिस्टेंस। तो आप लोग पहले एक बार ये भी याद रखें कि जब भी हम लोगों का टारगेट यहाँ पे आने वाला रहे तो उससे थोड़ा सा पहले ही बुक कर ले, और ऊपर में भी आना रहा थोड़ा सा पहले ही बुक कर ले। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये थोड़ा थोड़ा कभी कभी ऊपर नहीं आता है, वहीं से घूम जाता है, जिससे हम लोगों का लॉस हो जाए, जिससे हम लेकिन हम लोगों को लॉस से बचना है इसीलिए। तो हम लोग देख लेते हैं, जैसा कि नीचे जैसे ही मार्केट यहाँ पे आया, उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया लेकिन थोड़ा कंसोलिडेट किया, उसके बाद यहाँ पे ब्रेक किया तो हम लोगों का एंट्री बना और हम लोगों का टारगेट यहाँ पे बना। जैसा कि आप लोग बाय तो देख लिए कि हम लोग यहाँ से बाय करेंगे इंटरडे में, इक्विटी में आप लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी काम कर सकते इसी तरह हेजिंग करके, जिससे कि उसका क्वांटिटी कम लगे। तो हम लोग इसको और भी देखेंगे लाइव मार्केट में, जब मैं होल्डिंग पोजीशन बनाऊँगा इक्विटी में तो उसका भी मैं बताऊँगा, ठीक इसी प्रकार जैसा कि अभी आप लोग देख रहे हैं ये बैंक निफ्टी में। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं ऊपर से हम लोग कैसे सेल करेंगे। ऊपर में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे एक न्यूट्रल कैंडल बना, उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ पे भी क्लोज किया और इसके ये वाला लाइन को ब्रेक किया। हमेशा याद रखें कैंडल क्लोजिंग, जैसे हम लोग 1 आवर में देख रहे हैं यहाँ पे, तो 1 आवर में ही कैंडल को क्लोज होना पड़ेगा, उसके बाद ही जैसे यहाँ पे फुल क्लोज हो गया है तब हम ले सकते हैं। और उसके बाद हम लोगों का टारगेट रहेगा फर्स्ट यहाँ, सेकंड यहाँ, क्योंकि ये 20 SMA है, मार्केट यहाँ से आएगा। अगर आप लोगों को लगेगा कि मार्केट कोई कैंडल बना रहा है ऐसा करके, तो आप लोगों को लगेगा मार्केट घूम जाए, तो हम लोग SL को ट्रायल कर लेंगे, जिससे हम लोगों का लॉस कम हो या कुछ प्रॉफिट में निकले, या हम लोग यहाँ पर पूरा बुक करके निकल सकते हैं अगर हम लोग 1 लॉट या 1 क्वान्टिटी में काम कर रहे हैं तो। या हम लोग ज़्यादा क्वांटिटी में है तो स्टॉप लॉस को ट्रायल कर लें, या हाफ क्वांटिटी बुक करके यहाँ पे जो बाय किए हैं उसको सेम अपने बाइंग प्राइस से थोड़ा सा कर लें नीचे, जिससे कि हम लोगों को थोड़ा प्रॉफिट भी मिले और हम लोग बुक करें और यहाँ तक बुक कर सकें। तो हम लोग देख चुके हैं, उसके बाद हम लोग एक और देखते हैं कि कैसे करना है इसके लिए। तो हम लोग एक बार और फिर से रैंडम सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं ये तो ब्लास्ट है, इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। यहाँ पे जैसा कि हम लोग देख लेते हैं, ये देखिए ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस। तो हम लोग इसके लिए भी सेम रूल, जैसा मैंने कहा था कि सपोर्ट पे आते हम लोग मार्केट को बाय करेंगे कैंडल स्टिक को देखते हुए। जैसे कि यहाँ पे देख रहा कि ये हैमर है एक, इसके ऊपर मार्केट क्लोज किया है, पूरा क्लोजिंग किया है। उसके बाद हम लोग ये देखेंगे, उसके बाद मार्केट को ऊपर, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट किया है तो हम लोग थोड़ा भी यहाँ पे अपना स्ट्रेटजी भी लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा मार्केट ऊपर गया, ऐसे गया, ऐसे किया, उसके बाद ऊपर की तरफ ब्रेक किया तो हम लोग का स्टॉप लॉस यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद हम लोग ऊपर तक आनंद ले सकते हैं आराम से प्रॉफिट। उसके बाद हम लोग यहाँ से
एक ये सपोर्ट रेजिस्टेंस के जैसा काम करता है। रेजिस्टेंस हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, मार्केट एक हैमर बनाया, आप लोगों को मैं दिखाता हूँ थोड़ा और जूम करके, ये रहा। उसके बाद भी नीचे ब्रेक नहीं किया, एक न्यूट्रल बनाया उसके नीचे भी ब्रेक नहीं किया, उसके नीचे ग्रीन में बनाया तो ये भी नहीं हुआ, फिर यहाँ, फिर ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, फिर ये देखिए यहाँ पे एक बना, उसके बाद इसको ब्रेक किया, उसके बाद हम लोग डाउन साइड का पोजीशन लेकिन थोड़ा नीचे ही मिला। और स्टॉप लॉस हमेशा इसके प्रीवियस कैंडल के ऊपर लगाएंगे, और टारगेट तो आप लोगों को पता ही कैसे लगाना है। उसी तरह हम लोग और भी देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे, जैसे कि ये देखिए थोड़ा सा नीचे ही से ये घूम के ऊपर चला गया, इसी प्रकार ये भी पूरा टच किया थोड़ा सा से नीचे आ गया। तो हम लोग उसके बाद एक और देख लेते हैं 10 मिनट में, उसके बाद वीडियो को वाइंड अप करेंगे। तो हम लोग इसको सेलेक्ट किए हैं, ये देखिए यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे रेजिस्टेंस, सेम आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे एक सपोर्ट भी है और यहाँ पे एक पैटर्न भी बन रहा है। उसके बाद मार्केट ऊपर गया, फिर ऊपर से एक पैटर्न बना के नीचे भी आ गया। तो उसी प्रकार हम लोग यहाँ पर भी एक कैंडल को देखें, इसको मैं पहले हटा देता हूँ, ये देखिए एक कैंडल को देखें, उसके बाद उसके ऊपर ये क्लोजिंग दिया, ये देखिए यहाँ से एक रिटेस्ट भी लिया, उसके बाद ये मार्केट ऊपर, हम लोग यहाँ पे बुक कर लेंगे जैसा बोले थे आप लोगों को। फिर यहाँ पे तो क्लोजिंग दिया ही नहीं सेल साइड के लिए, हम लोग बाई सेल नहीं करेंगे। फिर हम लोग देखिए यहाँ पे गया, फिर यहाँ से सेल बना हम लोगों का स्टॉप लॉस इसके ऊपर, तो ये हिट भी नहीं हुआ। उसके बाद ये ऊपर से वापस एक निगेटिव कैंडल, वापस से नीचे। इसी तरह किसी भी टाइम फ्रेम में आप लोग देख सकते हैं, आप पोजिशनल स्विंग ट्रेड जो बनाना है आप लोग बना सकते हैं, वीक के लिए, मंथ के लिए, टाइम फ्रेम के ऊपर डिपेंड करता है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो बोला गया ये कमेंट करें, और जिस वीडियो में टॉपिक चाहिए उसका भी कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसी से आप लोग इंस्टाग्राम पे जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। आप पार्ट 1 का ऊपर में मैं आप लोगों को कार्ड में दे दूँगा लिंक।